हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र या दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। बच्चों, ये फॉर्मूला है एक दर्पण का जो U, V व F में संबंध दर्शाता है। किसमें? U, V व F में क्या करता है? संबंध दर्शाता है। अब U, V, F होता क्या है बच्चों? U क्या है? दर्पण से बिंब की दूरी, V क्या है बच्चों? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है बच्चों? दर्पण की फोकस दूरी। अब इनके मध्य एक संबंध है बच्चों, फॉर्मूला है क्या बच्चों? 1/V + 1/U = 1/F। इसका हमें डेरिवेशन करना है। ये लास्ट दो साल से आपके सिलेबस में है, वैसे ये 12th में हुआ करता था, पर अभी RBSE बोर्ड की बुक्स में ये 10th में गिवन है। इसका डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को हमें समझना है, वो कहाँ से लाएंगे बच्चों? देखिए, ये फॉर्मूला हमको डेराइव करना है। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो मैं अवतल दर्पण के लिए इसको करता हूँ, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक, तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। P, ये F और ये C, यहाँ कहीं हमने बिंब रखा है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ जाएगी बच्चों? फोकस बिंदु से P से जाने वाली किरण बच्चों यहाँ से वापस चल जाएगी। ये क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब क्या बन गया? A' B'। ठीक है, ये बिंदु हो गया P, इसको मैंने दे दिया M। क्या दे दिया बच्चों? M। अब ध्यान रखना, अब बच्चों ये जो M और P है, इस दर्पण का द्वारक, ये दर्पण ऐसा नहीं है, दर्पण क्या होता है बच्चों? बहुत ही इसमें कर्व क्या होता है? न के बराबर होता है। क्या होता है? इसका जो वक्र होता है वो बहुत छोटा होता है, इसका द्वारक बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटी सी चीज होती है। तो M और P को एक सीधी रेखा माना जा सकता है। MP को एक सीधी रेखा माना जा सकता है, ये हम अज्यूम करते हैं बच्चों, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो हमेशा इस बार ध्यान रखना बच्चों, MP को मैं क्या मानूंगा? एक सीधी रेखा मानूंगा। क्या मानूंगा? एक सीधी रेखा मानूंगा। ये तो हो गया डायग्राम। अब बच्चों देखो, ये क्या है? बिंब है। क्या है? बिंब है। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक से। ये बिंब से इसकी दूरी ये बच्चों कितनी हो गई? यू, यहां से यहां तक की। ये है प्रतिबिंब, ये दूरी कितनी हो गई? वी। और ये छोटी, ये दूरी कितनी हो गई? एफ। यू वी एफ, इसके मध्य क्या संबंध है? और ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? एम पी को ये एम पी है ना, ये एक सीधी रेखा माना जा सकता है, क्योंकि दर्पण का द्वारक, ये ध्यान रखना है, इसको 12th में और डिटेल में आएगा, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता है, तो छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक आप चीज़ नोट कर लो, पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप नोट कर लो, ये यू वी एफ है, यहाँ से यहाँ की दूरी यू, यहाँ से यहाँ की दूरी वी, और ये दूरी क्या होती है? एफ। अब बच्चों देखो, कुछ त्रिभुजों की बात करते हैं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। क्या लेंगे? त्रिभुज MPF व त्रिभुज A'B'F में, MPF A'B'F। बच्चों ये कौन?
और ये कौन कैसे है, सीट्स अभिमुख कौन, तो कौन एम एफ पी बराबर कौन ए डैश एफ बी डैश, कैसे कौन है सीट्स अभिमुख, कैसे कौन है सीट्स अभिमुख। और दूसरा ये वाला कौन और ये कौन कितना है 90 डिग्री, कौन ये वाला उसको मैंने सीधी रेखा माना है, तो कौन ए ए डैश बी डैश एफ इक्वल्स टू कौन एम पी एफ बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, दो कौन बराबर है तो ए ए नियम से कौन कौन नियम से दो कौन बराबर है तीसरा भी बराबर होगा, त्रिभुज एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, समरूप हो गए तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे बराबर, तो क्या लिख लेंगे एम पी और यहाँ ले लेंगे ए डैश बटा बी डैश बराबर, यहाँ क्या ले लेंगे एफ पी, क्या ले लेंगे एफ पी, इसमें क्या ले लेंगे बी डैश, यहाँ क्या ले लिया एफ पी इधर ले लिया बी डैश। और बच्चों ध्यान रखना ये एम पी किसके बराबर है ए बी के, चूंकि एम पी बराबर क्या है ए बी, अतः क्या आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ पी अपॉन बी डैश, समीकरण नंबर क्या आ गया, तो ये एक समीकरण आ गया बच्चों, क्या आ गया एक समीकरण, इस त्रिभुज को एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ को क्या सिद्ध किया समरूप सिद्ध किया, तो क्या आ गया एम पी बटा क्या आ गया ए डैश बी डैश और क्या आ गया एफ पी बटा क्या आ गया बी डैश एफ, ये क्या आ गया समीकरण नंबर एक, इसको नोट कर लो बच्चों। बच्चो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं समझना पड़ेगा, एक बार नोट कर लो इसको, इस पूरी चीज को, ठीक है बच्चो ये इरेज कर रहा हूं, समीकरण एक को रहने देता हूँ काम आएगा बाद में। अब ले लिया बच्चों त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए बी पी और नीचे वाला ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में कौन सा बच्चों, एक तो ये बड़े वाला इसको मैं साफ करता हूँ जरूरत नहीं, ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी ऊपर और नीचे, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों ये कौन आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे कौन ए पी बी इक्वल्स टू कौन ए डैश पी बी डैश, क्या लिखेंगे आई बराबर आर, क्योंकि मुख्य अक्ष पर जो रेखा जाती तो ध्रुव पर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के साथ क्या करती है समान कोण बनाती है, ये वाले दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और दूसरा सेम ये कोण 90 का ये भी 90 का, कौन ए बी पी बराबर कौन ए डैश बी डैश पी बराबर कितना हो गया 90, सेम ए नियम से क्या हो गया ए नियम से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप तो भुजाओं के अनुपात, यहाँ क्या ले लिया ए बी, यहाँ क्या ले लेंगे ए डैश बी डैश, यहाँ क्या लेंगे बी पी, यहाँ क्या ले लेंगे बी डैश, देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश बी पी बटा बी डैश आ गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों तुलना करनी है, यहाँ तक नोट करना है अभी आपको, इन दोनों की हमको क्या करनी है बच्चों तुलना करनी है, तो यहाँ तक नोट कर लो बच्चों आपको, फिर मैं आगे सवाल करवाता हूँ, बस जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, कहीं आगे पीछे नहीं कर रहे, समझना पहले कौन से दो त्रिभुज लिए, पहले मैंने एक त्रिभुज लिया ये वाला और दूसरा ये, दूसरे केस में तीसरा ये और चौथा, हमने इस तरह से त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दिया बच्चों सर्वांग सम सिद्ध किया समरूप सिद्ध किया और समरूप सिद्ध करने का सवाल को क्या किया सॉल्व किया बच्चों, नोट कर लो बच्चों उसको अच्छे से, समझते जाना चीजों को अच्छे से, वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखने की कोशिश करना तब जाके सवाल सही होगा, इसको इरेज कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों देखो, एक हुआ दो से, एक व दो से क्या हो जाएगा ये, अगर उनके LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे बराबर, तो क्या होगा BP बटा B डैश P,
बराबर एफ पी बटा बी डैश बी पी बटा बी डैश पी बराबर एफ पी बटा बी डैश एफ। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है आपके सारा। अब देखो बच्चों बी पी, ये दूरी वास्तव में क्या है बच्चों, यू। बी डैश पी ये दूरी क्या है, वी। एफ पी ये एफ पी क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगी एफ, एफ पी क्या हो जाएगी एफ। और बच्चों बी डैश एफ ये क्या हो जाएगा, v माइनस एफ, ये क्या हो जाएगा v माइनस एफ, तो क्या हो जाएगा v माइनस। अब बच्चों वज्र गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा u v माइनस एफ बराबर v, क्या होगा u v माइनस u f बराबर क्या हो गया v f। इसको ले जाओ उधर, तो u v बराबर v f प्लस u f। तो अब क्या कर रहे हैं, यू वी एफ का भाग देने पर क्या होगा, यू वी बटा यू वी एफ, वी एफ बटा यू वी एफ और यू एफ बटा यू वी एफ। अब एक दो लाइन और है बच्चों, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मान रखे हैं बी पी किसके बराबर है यू के, बी डैश पी किसके बराबर है वी के, एफ पी किसके बराबर है एफ पे, बी डैश एफ किसके बराबर है वी माइनस एफ, ये दूरी किसके बराबर है वी माइनस एफ। रख दिया यहाँ पे, वज्र गुणा किया, तो यू वी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। इसको ले गया उधर, तो यू वी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, यू वी एफ का भाग देने पर यू वी बटा यू वी एफ, वी एफ बटा यू वी एफ, ये प्लस है यू एफ बटा यू वी एफ। अब आगे एक दो लाइनें और है बच्चों, उसको भी कंप्लीट करेंगे एक बार। आप इसको एक बार अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो, आगे वाली लाइनें लिखते हैं बच्चों, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर लो बच्चों। हो गया ये, इसको मैं ऊपर वाली को मिटा रहा। अब क्या होगा बच्चों, यू वी से यू वी क्या हो गया कैंसिल, हाँ वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, तो क्या आ गया एक बटा एफ बराबर वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू बच्चों। ये फॉर्मूला आपका फाइनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला आ गया बच्चों, ध्यान रखना। और ध्यान रखना बच्चों, अवतल दर्पण के लिए ज्ञात किया यह सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी यह सूत्र उपयोग में लाया जाता है, यह सूत्र उपयोग में लाया जा सकता है, उत्तल दर्पण के लिए भी यह सूत्र उपयोग में लाया जा सकता है, ध्यान रखना। तो बच्चों चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यह दर्पण सूत्र दोनों के लिए काम में लाया जा सकता है, दोनों के लिए काम में लाया जा सकता है, ध्यान रखना बच्चों, दोनों के लिए इसको काम में ला के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दर्पण सूत्र हम लोग कर चुके हैं, अब बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे। और एक और चीज हमको पढ़नी है बच्चों, ध्यान रखना, हमें एक टॉपिक पढ़ना है आवर्धन समता, कौन सा टॉपिक करना है आवर्धन समता, मैग्निफिकेशन, आवर्धन समता मैग्निफिकेशन करना है, ध्यान रखना ये टॉपिक अब मैं करवाऊंगा। उसके बाद आंकिक प्रश्न करने, क्या करना है बच्चों आंकिक प्रश्न। तो बच्चों ये सारे कंसेप्ट बच्चों में अगले लेक्चर में दोनों चीजें करवा दूंगा, ध्यान रखना, ये दोनों चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ध्यान रखना बच्चों। और एक और चीज बच्चों, लास्ट का लेक्चर थोड़ा सा मेरा ब्लैक आया था, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं होगा, कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा वीडियो बने, पर थोड़ी सी सोर्सेज की प्रॉब्लम के कारण कभी कभार ऐसा होता है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपको सारी बातें ध्यान रखनी और हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर के अंदर। बच्चों अभी चैप्टर काफी बड़ा है, हमने केवल परावर्तन पूरा किया, अपवर्तन हमें और बहुत सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, तो हम आगे इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, इनको शेयर करें और लाइक करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।